सो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का एक अनदर टेक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अतुल कुमार। डियर फ्रेंड्स, आपने सही देखा है थंबनेल पर, दिल्ली में BSNL सिम मिलना शुरू हो गया है। तो कहां पर मिलेगा और कैसे मिलेगा, सारी जानकारी आज की वीडियो में आपको देने वाला हूं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और साथ ही साथ मैं MTNL के बारे में भी जानकारी दूंगा कि MTNL का सिम मिल रहा है या नहीं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, स्किप मत करिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप लोगों से, अभी तक चैनल पर मेरे फर्स्ट टाइम आए हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो यार वो फटाफट से नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को दबा दो, धक्का मारो, लात मारो, घुसंड मारो और सब्सक्राइब कर दो। साथ में घंटा आएगा, दबा के ऑल पे क्लिक कर लो, ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोज़ के रेगुलर अपडेट सबसे पहले आपको मिलते रहे। क्योंकि दोस्तों, आपके एक लाइक सब्सक्राइब से मुझे इतना इंस्पिरेशन मिलता है ताकि और मैं BSNL से जुड़ा हुआ सारा जानकारी लेकर के आऊँगा और आप तक पहुँचाऊँगा, पहुँचाने की कोशिश करूँगा। क्योंकि दोस्तों, मैं जॉब भी करता हूँ और साथ साथ मैं आप लोगों के लिए टाइम निकाल करके वीडियो बनाता हूँ, तो थोड़ा बहुत सपोर्ट तो दोस्तों आपको, मेरे को ज़रूरत है आप लोगों के सपोर्ट की। काफ़ी सालों से मैं काम कर रहा हूँ लेकिन अभी तक दोस्तों 7,500 सब्सक्राइबर भी कम्प्लीट नहीं हो पाए हैं मेरे, तो प्लीज़ सपोर्ट करें ताकि मैं और जो है आप लोगों के लिए और भी अलग अलग टॉपिक्स पर वीडियो आप लोगों के लिए बना करके लेकर के आता रहूँ। तो आइए शुरू करते हैं, आते हैं टॉपिक पर वापस कि दोस्तों, दिल्ली में BSNL और MTNL सिम दोनों मिल रही है, लेकिन कैसे मिलेगी, कहाँ मिलेगी, सारी जानकारी आज की वीडियो में आपको दे दूँगा। सबसे पहले बात करेंगे BSNL की। सो डियर फ्रेंड्स, BSNL आपको दिल्ली में मिलेगा एक ही जगह पर, जो कि है दोस्तों कनॉट प्लेस का एरिया है, जनपद एक जगह का नाम है, जनपद रोड, वहाँ पर दोस्तों BSNL का हेडक्वार्टर है, हेड ऑफिस है, जहाँ पर आपको BSNL की सिम मिल जाएगी। मैं खुद विज़िट करके आया हूँ, तो वहाँ पर आपको नियरेस्ट कैसे जाना है वो भी मैं आपको बताऊँगा, बाय मेट्रो, क्योंकि दोस्तों बाय बस तो बहुत, आप कहाँ से आएंगे वो मेरे को आइडिया नहीं है ना। आप जब आप कमेंट करेंगे कि मैं यहाँ से जनपद जाऊँगा, तो मैं आपको रूट का जो है सजेस्ट कर सकता हूँ, रूट का मैं बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने दोस्तों DTC जुड़ा हुआ भी, DTC जो बस होती है दिल्ली की ट्रांसपोर्ट, उसके बारे में भी मैंने वीडियो बना रखी है, तो आप मेरे चैनल पर जा कर के देख सकते हैं कि कौन सी बस कहाँ जाएगी, वो आप देख सकते हैं, प्रॉपर मैंने बनाया हुआ है। तो बात कर रहा हूँ मैं BSNL के ऑफिस की, तो दोस्तों BSNL का ऑफिस जो है कनॉट प्लेस स्थित जनपद रोड पर है, तो जनपद रोड दोस्तों कनॉट प्लेस के अंदर आता है और वहाँ पर मेट्रो स्टेशन लगता है जनपद का। जनपद मेट्रो स्टेशन से आपको उतरना है और गेट नंबर 4, ध्यान से सुनना दोस्तों, गेट नंबर 4 से आपको एग्ज़िट करना है। गेट नंबर 4 से जब एग्ज़िट करेंगे तो आपको आसपास में ही, सामने ही दिख जाएंगी, वो ऑफिशियल कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे सारी सरकारी कंपनियाँ जो हैं, बड़ी बड़ी सरकारी ऑफिसेज हैं, उनके हेड क्वार्टर, हेड ऑफिस बने हुए हैं, तो वहाँ पर आपको BSNL लिखा हुआ दिख जाएगा बिल्डिंग के ऊपर। आप यहाँ पर इमेज भी देख लो, ये जनपद BSNL का ऑफिस है, इस तरह का आपको दिखेगा वहाँ पर, तो आप जा कर के ईजिली आप सर्च कर सकते हो। बाकी दोस्तों गूगल बाबा हैं, गूगल मैप में आप सर्च करें BSNL का ऑफिस, मेट्रो स्टेशन से उतर करके ही आसपास अगर आपको ना दिखे तो आप सर्च कर सकते हो, गूगल मैप का भी प्रयोग कर सकते हो। तो ये तो मैंने बता दिया, BSNL का सिम मिल रहा है और इसके बारे में भी मैं बता देता हूँ दोस्तों, आपको नया कनेक्शन लेना है BSNL का तो भी मिलेगा, पोर्ट कराना है तो भी मिलेगा, और अगर आपको जल्दी काम करवा लेना है तो दोस्तों पोर्ट का मैसेज पहले ही कर दें, पोर्ट लिख करके कैपिटल में PORT, पोर्ट स्पेस अपना करंट मोबाइल नंबर जिसको आपको BSNL में पोर्ट करना है, और भेज दें 1900 पर। आपने समझ लिया, PORT लिखना है, पोर्ट स्पेस अपना करंट मोबाइल नंबर, और उसको सेंड कर देना है मैसेज 1900 पे। तुरंत आपको 1901 से एक मैसेज रिसीव होगा, यूनिक पोर्टिंग कोड, उसको कोड को पहले से संभाल के रखें, BSNL ऑफिस जाएं, पता करें कहाँ से पोर्ट का करना है, क्योंकि नया कनेक्शन कोई और देगा, पोर्ट करने का वर्क कोई और करेगा। मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, लेकिन मैं गया था वहाँ पर, मैंने अपना सिम नोएडा से लिया हुआ है, पहले भी मैंने आपको बताया था, लेकिन मैंने BSNL दिल्ली की भी जानकारी दे दी कि अब आपको दिल्ली में प्रॉपर बिना किसी परेशानी के मिलना शुरू हो गया है, पहले थोड़े बहुत मिल रहे थे, अब प्रॉपर जब मर्जी जाएँ आप लेकर के आ जाएँ, धीरे धीरे कुछ महीनों के अंदर अलग अलग रिटेल स्टोर्स पर भी मिलने चालू हो जाएंगे। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों MTNL की, कि दोस्तों MTNL सिम कहाँ मिल रही है। तो MTNL सिम दोस्तों जितने भी दिल्ली में टेलीफोन एक्सचेंज हैं MTNL के, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के जितने भी ऑफिसेज हैं, हर ऑफिस में आपको सिम मिलेगी। लेकिन एक ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर MTNL की सिम अभी न्यू कनेक्शन नहीं मिल रहा है, नया कनेक्शन आपको नहीं मिलेगा, वहाँ पर आप खाली पोर्ट करवा सकते हैं, जैसा कि BSNL में पोर्ट करवाया और उसमें नया भी नंबर मिल रहा है, लेकिन MTNL में आपको बस पोर्ट करेंगे, क्योंकि उनका अभी जो है BSNL के साथ जो डील हुई है
उस डील के तहत अभी कुछ सिम में वो अपडेट कर रहे हैं, तो इस कारण नया कनेक्शन आपको नहीं मिलेगा। पोर्ट करवा सकते हैं आप अपने करंट नंबर को, सेम प्रोसीजर है, पोर्ट का मैसेज लिख कर देना है, यूनिक पोर्ट आपको मिल जाएगा, वो मैसेज लेकर के जाना है। लेकिन BSNL की तरह MTNL की सर्विस अभी फ़िलहाल दिल्ली में नहीं है। सर्विस का मतलब ये नहीं, नेटवर्क की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सर्विस का मतलब जो स्टाफ एम्प्लॉय जो सपोर्ट कर रहे हैं वो MTNL में नहीं है। MTNL में आपको बहुत मशक्क़त करनी पड़ सकती है, दौड़ भाग चक्कर लगाने पड़ सकते हैं एक से ज़्यादा। BSNL में एक दिन में काम हो जाएगा आपके आधे घंटे के अंदर, MTNL में दोस्तों सेम डे काम नहीं होगा, आपको एक दो बार जाना पड़ सकता है। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको BSNL में जाना है या MTNL में जाना है। नेटवर्क दोनों के सुधार हो जाएंगे, अक्टूबर नवंबर तक बढ़िया हो जाएंगे, फिलहाल अभी नॉर्मल नेटवर्क है दिल्ली के अंदर में। यहाँ पर इस वीडियो में मैंने खाली दिल्ली के बारे में बताया है दोस्तों, तो मैंने बता दिया आपको कि सिम मिलना शुरू हो गई है। BSNL में नया भी ले सकते हैं, पोर्ट भी करा सकते हैं, MTNL में बस पोर्ट करा सकते हैं, नया आपको नहीं ले सकते हैं, अभी कुछ महीने तक नहीं ले सकते हैं। जब शुरू हो जाएगा मिलना तो आपको, आपके लिए मैं वीडियो बना करके ले आऊँगा, प्रॉपर ऑफिस जा कर के एक्सपीरियंस करूँगा और आपको पहुँचाऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं फिर एक अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।